गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चा आवाज आ रही है मेरी? बच्चा आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? सर बोलिए, सर जल्दी बोलिए, मेरा बच्चा जल्दी बोलिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? सर जय हिंद बच्चा जी। अनुराग, यस सर। चलिए सर, बढ़िया सर। कल हमने स्टार्ट किया था टॉपिक अपना ऑप्टिक्स, कल हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था सर ऑप्टिक्स, और उसमें कुछ क्वेश्चंस करे थे सर। लेवल अभी की इतना ऊपर नहीं है मेरे भाई कि हम थोड़ा बहुत ऊपर चले गए, धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। आज एक बार फिर से थोड़ा सा उसी के आसपास चलेंगे जैसे हमने कल किया था। आपके लिए आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपके सामने, प्लीज देख लीजिए, प्लीज ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, हमारे पास ऑप्शन है PQR, PQO, OXT और BFC। ये मेरे पास तीन तीन अल्फाबेट्स हैं, तीन तीन अक्षर हैं। आपने बताना है कि समतल दर्पण में अगर मैं इनका प्रतिबिंब देखूंगा, अगर प्लेन मिरर में मैं इनका इमेज देखूंगा, तो कौन से ऐसे अल्फाबेट हैं जो मुझे एज इट इज नजर आएंगे, जो जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही नजर आएंगे। कौन से अल्फाबेट है, कौन सा ऑप्शन है जिसको प्लेन मिरर में, समतल दर्पण में देखूंगा तो मुझे वैसा ही नजर आएगा जैसे मैंने ऑप्शन देखे हैं, बढ़िया मेरे बच्चे, आंसर आपका सही है, आंसर है सी, आंसर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी सर, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आता है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि आपको याद रहे, तो इसमें याद रखना कि आपने देखना है कि सिमेट्री, सममित जो उसका प्रकृति होती है, किसमें ज्यादा है, किसमें सममित प्रकृति है, सिमेट्रिक नेचर है, जिसमें होगा वही आपको एज इट इज नजर आएगा, बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा दर्पण में जैसा आप देख रहे हैं। ये तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब आज का पहला क्वेश्चन सर सरल है, आसान क्वेश्चन है, प्लीज सामने देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, लीस्ट डिस्टेंस, अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है और वो किसी चीज को देखना चाहता है, जल्दी बोलो मेरे बच्चे, अगर कोई स्वस्थ मनुष्य है और वो किसी चीज को देखना चाहता है तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी सर, जल्दी बताइए सर क्या होगी। इसको हम लोग नियर पॉइंट भी बोलेंगे, निकट बिंदु बोलेंगे, और इसका मान होगा, इसकी वैल्यू है 25 सेंटीमीटर, इसका मान 25, जो बच्चे आंसर मुझे बता रहे हैं। अगर मैं इसी का फार पॉइंट पूछूं, आपसे कहूं जी दूर बिंदु कितना है, फार पॉइंट कितना है, तो आंसर आप लोग क्या लिख के आओगे, आंसर आपका होगा इन्फिनिटी अनंत। ये आपको ध्यान रखना है, निकट बिंदु नियर पॉइंट अगर पूछते हैं स्पष्ट दृष्टि तो 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट दूर बिंदु पूछेंगे तो अनंत होगा, इतना आपने याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगला क्वेश्चन है सर आपके लिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा प्लीज, इसका आंसर बताएं, सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग लाइट इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, निम्नलिखित में से प्रकाश को विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए कौन उत्तरदाई है। सर ये नेत्र के बारे में पूछ रहे हैं, आई के लिए पूछ रहे हैं, हमारे नेत्र, हमारी आई के अंदर कौन सी चीज है जिसके कारण ये पॉसिबल है, जल्दी बोलिए सर। हरेंद्र, हिंदी में लिखा है, अच्छा प्यूपिल, प्यूपिल का मतलब होता है सर हमारे नेत्र का आगे वाला, पुतली बोलते हैं इसको, इसको रेटिना बोलते हैं, इसको कार्निया बोलते हैं आप लोग हिंदी में, और इसको तो आयरिस ही कहते हैं सर, तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा उत्तर होगा सर, कौन सा आंसर होगा सर। शिवम, जय हिंद मेरे भाई, ध्यान से बच्चा आंसर, सोमनाथ आपका आंसर सही है, मेरे बच्चे, आंसर जो आएगा सर वो है रेटिना, पर्दा जिसके ऊपर प्रतिबिंब बनता है, ध्यान से सुनिए,
रेटिना जिसको आप आंख का पर्दा कहते हैं, इसकी स्क्रीन कहते हैं, इसके ऊपर अगर प्रकाश लाइट पड़ता है तो वो किसमें चेंज होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। किसमें चेंज होता है? इलेक्ट्रिक सिग्नल में, विद्युत सिग्नल में। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर याद रखिएगा, रेटिना पर्दा। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, श्याम आंसर सही है, अनुज आंसर सही है, आपका आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं बेटा, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखिए। ऑप्शन हटा दिए मैंने, ऑप्शन मैंने हटा दिए। आपके सामने है टू वर्टिकल प्लेन मिरर्स, दो ऊर्ध्वाधर आपके समतल दर्पण है जो एक दूसरे पर 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। एक प्रकाश की किरण है जो पहले आई और वहां से टकराकर इज रिफ्लेक्टेड फर्स्ट फ्रॉम वन मिरर, पहले दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे दर्पण पे गई और वहां से परावर्तित हुई, तो नेट डेविएशन कुल विचलन कितना होगा? कुल विचलन कितना होगा? प्रश्न ऐसा है सर, प्रश्न ऐसा है, दो समतल दर्पण है आपके पास और उनके बीच का कोण, उनके बीच का एंगल जो है सर वो 60 डिग्री है, वो 60 डिग्री है। ध्यान से देखना सर, एक प्रकाश की किरण आई, एक प्रकाश की किरण आई और वो यहां से टकरा कर गई इसके पास, वो यहां से टकरा कर इसके पास गई और यहां से टकरा कर वापस गई, तो ये इसके लिए आई, ये इसके लिए आर, ये इसका आई डैश, ये इसका आर डैश। आपने बताना है कुल विचलन कितना होगा, कुल विचलन कितना होगा? जल्दी बताएं सर, जल्दी बताएं सर। ऑप्शन दे रहा हूं सर आपको, एक 120 है, एक 240 है, एक 120 है, एक 240 है, एक खाली 60 है और एक 300 डिग्री है, एक 300 डिग्री है। फास्ट मेरे बच्चे आंसर बताओ, फास्ट बच्चा जल्दी बताइए सर, आंसर बोलिए सर। आपने प्रैक्टिस करी है, आसान क्वेश्चन होते हैं, प्लीज बताएं सर। बढ़िया मेरे बच्चे आंसर दे रहे हैं आप लोग। याद रखिएगा, दो प्लेन मिरर अगर दिए जाते हैं, अगर आपके पास दो समतल दर्पण है, दो समतल दर्पण है और आपसे पूछ रहे हैं कुल विचलन, आपसे पूछ रहे हैं कुल विचलन, टोटल डेविएशन पूछ रहे हैं, कुल विचलन टोटल डेविएशन पूछ रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला जो होगा सर वो 360 माइनस 2i, 360 डिग्री माइनस 2 गुणा आपतन कोण। इस i को कहते हैं आपतन कोण, क्या बोलते हैं सर? आपतन कोण, यानी कि जो मेरे पास एंगल दिया होगा, कितना दिया है सर? 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आपको दे रखा है एंगल उसका, तो उसका पैरेलल है तो आपके पास 60 आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा? 360 माइनस 120, आंसर आएगा सर 240, आंसर आएगा सर 240। बढ़िया मेरे बच्चे, बढ़िया सर, बढ़िया। ध्यान से देखिएगा, आंसर मेरे लिए बी 240 डिग्री। ध्यान से देखते रहिए सर। अगला क्वेश्चन है सर आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, फिर से ऑप्शन गायब है, फिर से ऑप्शन गायब है। बच्चा लोग पढ़ते हैं तो बताइएगा ध्यान से। अरे इज रिफ्लेक्टेड इन टर्न, एक प्रकाश की किरण है जिसका परावर्तन परावर्तन हो रहा है एक एक करके, किससे? तीन समतल दर्पणों से, तीन प्लेन मिरर से, और तीनों दर्पण एक दूसरे के क्या है? लंबवत, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली, यानी कि पहला ऐसा, दूसरा ऐसा और तीसरा ऐसा। ध्यान से देखना, ये कुछ चित्र ऐसा बना हुआ है सर, ये चित्र कुछ इस तरीके से बना है और वो आपसे कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड रे। मान लो प्रकाश की किरण यहां से आई, इस पे टकराई और यहां से जाकर इस पे गई, यहां आपका लंब हो गया 90 डिग्री, इधर से गई तो इस पे टकराई और यहां से गई तो सर ये यहां से वापस बाहर निकल गई, यहां से गई तो सर ये वापस बाहर निकल गई। आपको बताना है कि इनके बीच में जो है एंगल बताना है आपके पास, जो आपतित किरण है और जो अंतिम परावर्तित किरण है उनके बीच का कोण, उनके बीच का कोण। चित्र थोड़ा टेढ़ा बन गया पर क्वेश्चन ऐसा ही है, चित्र थोड़ा टेढ़ा है पर आंसर ऐसे ही निकलेगा। बहुत बढ़िया सर, याद रखिएगा, अगर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर मिरर होते हैं, तीन लंबवत दर्पण है हमारे पास,
लंबवत दर्पण है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण जो होती है इनके बीच का कोण, यानी कि इंसिडेंट रे और जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ध्यान से सुनना बेटा, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल याद रखना, इट विल बी 180 डिग्री या पाई दिया है तो पाई लिख के आओगे, 180 दिया है तो 180 और पाई दिया है तो पाई, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन अच्छा है, पुराने पेपरों में कहीं पर आया होगा, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा आगे की तरफ चल रहा हूं। अगला क्वेश्चन है सर आपके लिए। फिर से ऑप्शन गायब है। ध्यान से देखिएगा, एक समतल दर्पण है जो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, किसके साथ? क्षैतिज के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। अगर एक वर्टिकल रे, सीधी किरण उसके ऊपर गिरती है, किस पे? दर्पण के ऊपर। तो बताइए जो कोण बनेगा, एंगल बनेगा दर्पण के और उस परावर्तित किरण के बीच में, वो क्या होगा? दर्पण और परावर्तित किरण के बीच का कोण बनाना है, तो चित्र मैं बना के देता हूं, आंसर आप निकालिए। क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये मेरे पास क्षैतिज है और ये इसके ऊपर एक समतल दर्पण है, ये इसके ऊपर एक समतल दर्पण है जिसका कोण, एंगल कितना है सर? 30 डिग्री दे रखा है। एक प्रकाश की किरण सीधी आ रही है, अगर वो सीधी आ रही है तो ये नीचे वाला कोण कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। ये नीचे वाला कोण 90 होगा, परंतु इस दर्पण के सापेक्ष तो 90 ऐसे बनेगा, इस दर्पण के सापेक्ष तो ये 90 ऐसे बनेगा। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे लिए आई हो गया आपतन कोण, तो ये मेरे लिए हो गया परावर्तन कोण, ये मेरे लिए हो गया परावर्तन कोण। वो पूछ रहे हैं कि ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला कोण निकालना है आपको, ये थीटा, इस थीटा को पूछ रहे हैं आपसे। ध्यान से, 30 सेकंड है, प्लीज निकाल के दिखाएं। थोड़ा सा फास्ट बच्चा, घर में प्रैक्टिस करते हो, जल्दी बताओ बच्चा जी। भाई मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सर। बताएं सर जल्दी फास्ट मेरे बच्चे, आंसर आप बता रहे हैं 60 डिग्री, बढ़िया मेरे भाई, चेक कर सकता हूं मैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, ये 30, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर? ये हो गया 60, और अगर ये 60 हो गया तो ये वाला एंगल कितना हो गया सर? ये भी 60 हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एकांतर, यानी कि आपके पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, एक दूसरे के सामने वाले कोण। अगर ये 60, ये 60 है तो 60 प्लस आई बराबर में किसके बराबर सर? वो 90 के बराबर, क्योंकि ये वाला लंब है, परपेंडिकुलर है, ये जो रेखा मैं बना रहा हूं लाइन, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, तो आई कितना आ गया सर? 30। आई कितना आ गया सर? 30। और आई 30 आया तो आर कितना आएगा सर? 30। और ये दोनों मिलाकर भी 90 है, तो आर प्लस थीटा मिलाकर 90, तो थीटा कितना आ जाएगा? 90 माइनस 30, तो आपके पास आंसर आ जाएगा थीटा बराबर में 60। बंटी जी प्लीज ध्यान से देखिए, हमने एक समतल दर्पण को कोण पे रखा है और उसके ऊपर सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन डाली है, तो कितना एंगल है? 90। आपने बताना है कि जो इसकी परावर्तित किरण है, रिफ्लेक्टेड रे है, वो इस मिरर, इस दर्पण के साथ क्या एंगल बनाएगी, जिसको मैंने थीटा लिखा है। आपको ये थीटा की वैल्यू चाहिए, सिंपल मैथमेटिक्स है, गणित आसान है, सरल है, उसको लगाया सबसे पहले यहां पर, ये 90, ये 30, तो ये हो गया 60। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो गया, 60, और ये 60 हो गया, तो बेटा ये कितना हुआ? 30। क्यों? यहां से निकाला इसको, और अगर ये 30 तो ये 30, और 30 प्लस थीटा किसके बराबर बच्चा जी? 90 के बराबर, तो थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया सर? 60। बढ़िया मेरे बच्चे, सही कर रहे हो सर, जिनका 60 है। आगे चलें सर, चलिए सर, थैंक यू मेरा भाई, आगे चल रहा हूं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ऑप्शन गायब कर दिए सर।
फिर से ऑप्शन गायब कर दिए, प्लीज सामने देखिए और बताएं इसको कैसे करेंगे सर। इफ एन ऑब्जर्वर, यदि कोई पर्यवेक्षक है और वो दूर जा रहा है, इट इज मूविंग अवे, जैसे ये है और मैं दूर जाऊंगा, तो वो दूर जा रहा है किसी समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से, किस रफ्तार से? 6 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है। तो बताइए कि जो पर्यवेक्षक है, जो आपके पास वेलोसिटी है, उसकी इमेज के रिस्पेक्ट में, प्रतिबिंब के सापेक्ष उसका जो वेग है, जो ऑब्जर्वर है उसका वेग क्या होगा, ये आपने बताना है। ध्यान से देखिए, अगर ये समतल दर्पण है, ये प्लेन मिरर है और ये मेरे पास क्षैतिज है और एक इंसान है जो यहां से दूर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड, जो यहां से दूर जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड से दूर जा रहा है, तो जो उसका प्रतिबिंब होगा, उसका जो इमेज है, वो भी तो दूर जाएगा सर, वो भी तो दूर जाएगा 6 से। अगर ये 6 इधर जा रहा है, ये 6 इधर जा रहा है, तो टोटल आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, दोनों के बीच में कितना अंतर है। थोड़ा सा फास्ट मेरे भाई, थोड़ा सा फास्ट, बढ़िया सर, सब बच्चों का आंसर सही है, क्योंकि 6 इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, तो 6 प्लस 6 आंसर आएगा 12, it will be 12 meter per second आपका आंसर। ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम के अंदर तैयार रखिएगा, ऐसे अपने एग्जाम के लिए तैयार करिए ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं सर, अब ऑप्शन है आपके पास, अब आपके पास ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, प्लीज बताएं इसका आंसर। केशव पीडीएफ आपको इसी के नीचे लिंक होगा टेलीग्राम का, उसमें आज शाम को मिल जाएगा बेटा, उसमें आज शाम को मिल जाएगा आपको। अगला प्रश्न सामने देखिए सर, द फील्ड व्यू, दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है, किसके लिए होता है? प्लेन मिरर समतल दर्पण के लिए, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के लिए, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के लिए, सिलिंड्रिकल मिरर बेलनाकार दर्पण के लिए, आपने बताना है किसमें, आपने बताना है किसमें। शिवजी चौधरी, आपने प्लेन मिरर लिखा है मेरे बच्चे, प्लेन मिरर नहीं है मेरे भाई, आंसर प्लेन मिरर नहीं है, आंसर वो होगा जो प्रकाश किरणों को फैलाता है, आंसर वो मिरर होगा जो रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करता है, और डाइवर्जिंग मिरर जो होता है, डाइवर्जिंग मिरर जो होता है सर, वो कौन सा होता है? डाइवर्जिंग मिरर जो फैलाता है वो कौन सा सर? वो उत्तल दर्पण होता है, वो उत्तल दर्पण होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो आंसर मेरे पास आएगा सर ऑप्शन नंबर सी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़िया मेरे भाई, थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूं बच्चा, थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूं। आप लोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, नेत्र, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ह्यूमन आई पढ़ते हो सर, तो आपको यह भी पता होगा कि उसके अंदर एक रिजॉल्विंग पावर होती है जिसको विभेदन क्षमता कहते हैं, जिसको विभेदन क्षमता कहते हैं। एक सीमा होती है, एक लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होता है, और एक रिजॉल्विंग पावर होती है विभेदन क्षमता। तो वो पूछ रहे हैं कि किसी माइक्रोस्कोप के लिए, किसी सूक्ष्मदर्शी के लिए जो विभेदन क्षमता है, जो आपकी रिजॉल्विंग पावर है, वो कौन से रंग के लिए, कौन से कलर के लिए बड़ी होगी और किसके लिए छोटी होगी, किसके लिए बड़ी होगी और किसके लिए छोटी होगी? प्लीज सर ध्यान से, बच्चा लोग ए ऑप्शन पे ज्यादा हैं, कुछ भाई लोग सी भी बता रहे हैं। चलिए सर थोड़ा सा चेक करते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए रिजॉल्विंग पावर, अपनी कॉपी में लिखिए रिजॉल्विंग पावर विभेदन क्षमता, अपनी कॉपी में लिखिए रिजॉल्विंग पावर विभेदन क्षमता अनुक्रमानुपाती, प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा, प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आंसर होगा। तो सर मुझे बताइए कि इन सारे ऑप्शन में अगर मुझे सबसे छोटा निकालना है, तो सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, सबसे बड़ा वेवलेंथ चाहिए, तो वो किसका होता है सर? वो रेड का होता है। तो रेड के लिए सबसे छोटा, रेड के लिए सबसे छोटा जो मुझे दिया हुआ है ऑप्शन, और उसके अलावा जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें सबसे बड़ा किसके लिए? सबसे बड़ा ब्लू के लिए, क्योंकि उसकी वेवलेंथ, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे छोटी।
तो सर चेक कर लीजिए, रेड और ब्लू ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ब्लू और रेड नहीं होगा बेटा। अभिषेक एक बार चेक करो बच्चा, एक बार चेक करिए, आंसर होगा रेड एंड ब्लू, आंसर विल बी रेड एंड ब्लू, प्लीज चेक इट आउट, इसको चेक करिए मेरा बच्चा। थोड़ा सा आगे चल रहा हूं, थोड़ा सा आगे चल रहा हूं बच्चा, नेक्स्ट उसके ऊपर जा रहा हूं, ध्यान से देखिए अपने उसमें। इफ द डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स, आपने यंग का द्विछिद्र प्रयोग करा हुआ है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, वो आपसे कह रहे हैं कि अगर दूरी दो स्लिट के बीच में तीन गुना कर दी जाए, दो स्लिट, दो जो आपने वो छिद्र ले रखे हैं, छेद बनाए हैं छोटे छोटे, उनके बीच की दूरी अगर तीन गुना कर दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। सर फ्रिंज की चौड़ाई तो तब होगी ना जब फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, बीटा बराबर में लेमडा डी बाई डी, फॉर्मूला जो होता है दैट इज बीटा इक्वल्स टू लेमडा डी बाई डी, फॉर्मूला याद रखना है, इसे आप लोग कहते हो फ्रिंज की चौड़ाई, इसे कहते हो फ्रिंज की चौड़ाई, हम लोग इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ, हम लोग इसको कहते हैं फ्रिंज विड्थ। लेमडा को हम लोग कहते हैं तरंग दैर्ध्य, लेमडा को कहते हैं तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ कहते हो बेटा आप इसको, इसको वेवलेंथ कहते हो। डी जो होता है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द, बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, जो आपका पर्दा है और जो आपकी स्लिट है, जो आपकी स्लिट है और जो पर्दा है, स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी, स्लिट तथा पर्दे के बीच की दूरी, ये आपको याद रखनी है। और स्मॉल डी क्या होता है सर, दो छे, दो स्लिट्स, दो स्लिट के बीच की दूरी, दो स्लिट के बीच की दूरी, इसको कहते हैं स्मॉल डी, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स, इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स। फॉर्मूला अगर मुझे पता है तो वो कह रहे हैं इस डी को तीन गुना कर दो, तो बीटा जो है सर वो ऐसा ही तो है, व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर इसको तीन गुना कर दोगे तो ये तीन गुना थ्री टाइम्स कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, प्लीज सर चेक करिए मेरे बच्चे प्लीज। बहुत बढ़िया रोहित, करुण, सोमनाथ, बढ़िया सर आपका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं सर, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा सर। द टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल, ध्रुवण का जो कोण है उसकी स्पर्श जया, ध्रुवण का जो कोण है उसकी जो स्पर्श जया है वो बराबर होती है, इक्वल होती है अपवर्तनांक के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। कौन सा नियम है सर, कौन सा नियम है बच्चा, कौन सा नियम, फास्ट मेरे भाई। अभिषेक एक बार बताइए कौन सा क्वेश्चन, 1/3 वाला बच्चा, वो इससे पहले था, थोड़ा सा रुक जाइए इसको पूरा कर दूं पहले मैं। वो कह रहे हैं जो टेंजेंट है पोलराइजिंग एंगल का वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, आपके ध्रुवण कोण की जो स्पर्श जया है वो आपके अपवर्तनांक के बराबर है, मतलब टैन आई जो है वो किसके बराबर, म्यू के बराबर। इसे क्या कहते हो बेटा, इसे आप लोग कहते हो ब्रूस्टर का नियम, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ब्रूस्टर का नियम, इसे हिंदी में ब्रूस्टर का नियम, इंग्लिश में ब्रिविस्टर लॉ कहते हैं। तो ये आपके पास है, और ऑप्शन कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बढ़िया मेरे बच्चे बढ़िया, सही कर रहे हैं सर आप, सही कर रहे हैं, ब्रूस्टर लॉ, ब्रूस्टर का नियम। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं सर, अगले प्रश्न पे जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहता हूं जी ब्लैक बोर्ड काला है, अगर मैं कहता हूं ब्लैक बोर्ड काला है तो वो काला क्यों दिखाई देता है, वो आपको ब्लैक क्यों नजर आता है, प्लीज सर प्लीज जल्दी बताइए सर। अभिषेक लेंस का लॉ जो है वो करंट की डायरेक्शन के लिए होता है मेरे बच्चे, अभिषेक लेंस का लॉ करंट की डायरेक्शन के लिए होता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ब्लैक बोर्ड काला क्यों आता है बच्चा लोग, इसका ऑप्शन बी और सी, प्रभात ने बी बोला है, बाकी बच्चों ने बोला है सी। मेरे भाई ध्यान से सुनना एक चीज, कोई चीज किसी रंग की तब नजर आती है
जब वो उस रंग को छोड़कर बाकी सारे रंगों को सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है. An object seems to be colored if it is able to absorb all other colors except that color. उस रंग को छोड़ के बाकी सबको अगर एब्जॉर्ब कर लोगे तो वो क्या करेगा, वो उस रंग का दिखाई देगा. तो ऑप्शन देखिए और बताइए आंसर क्या होगा. रिफ्लेक्ट एवरी कलर, नहीं सर ये तो हो नहीं सकता. डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी कलर, रिफ्लेक्ट्स ब्लैक कलर, एब्जॉर्ब्स ब्लैक कलर. सर ये किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि काला तो रंग ही नहीं होता. अगर ये किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तभी तो कोई चीज काली नजर आती है. आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी, सोचो क्या होती है जो सब कुछ सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है. तो आंसर आएगा सर आपके पास बी, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया मेरे भाई. थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बढ़िया क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम का है. एक बार इसको ध्यान से करिए. अगर मोटी कांच की पट्टी का है, अगर आपके पास थिक ग्लास स्लैब है जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस बन रहे हैं, इसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, एक से अधिक परावर्तन अगर हो रहा है तो कौन सा प्रतिबिंब, विच इमेज इज द ब्राइटेस्ट, कौन सा प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला होगा, कौन सा प्रतिबिंब सबसे ज्यादा चमकीला होगा. सर ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी. पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी. तो याद रखिएगा सर हमेशा दूसरा, सेकंड जो होता है वो ब्राइटेस्ट होता है, जो दूसरा होता है वो ब्राइटेस्ट होता है. और कारण पूछे तो लिख लेना स्ट्रॉन्गेस्ट रिफ्लेक्शन, दूसरा वाला जो है वो ब्राइटेस्ट होगा. और इसका कारण क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिफ्लेक्शन यानी कि सबसे ज्यादा परावर्तन. बच्चों को याद रखना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिफ्लेक्शन, सबसे ज्यादा परावर्तन इसमें. तो ये आपके पास सबसे ज्यादा चमकीली, ये ब्राइटेस्ट इमेज बनाएगी, ऑप्शन नंबर बी. बच्चा लोग अपने मार्क्स कैलकुलेट करते रहना और प्लीज चेक करना कि क्या हम 70% और उसके ऊपर ले रहे हैं. प्लीज अगला क्वेश्चन देखिए. द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो लाल रंग के लिए सबसे ज्यादा, पीले रंग के लिए सबसे ज्यादा, बैंगनी के लिए सबसे ज्यादा, या किसी के लिए नहीं. फास्ट मेरे बच्चे, जल्दी वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का. भाई लोग घर में पढ़ते हैं, अच्छा है तैयारी कर रहे हैं, प्लीज आंसर बताएं. सर अनुज ने बी बताया, शिवजी रेड बताया आपने, सिरसा हरियाणा आपने बी बताया, ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे बी बता रहे हैं, चैंपियन चितरंजन आपने ए बताया. बच्चा एक चीज मुझे बताओ कि आपके पास किसी दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो क्या तरंग दैर्ध्य पे, वेवलेंथ पे निर्भर करती है, डिपेंड करती है? ये अगर करती है तो आंसर होगा, अगर ये करती है तो आंसर होगा, और नहीं करती है तो आंसर कहां से लाओगे? दोबारा सुन लीजिए कि जो दर्पण होता है, दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करती है. प्लीज अपनी कॉपी में लिखो, निर्भर नहीं करती है. पेपर में गलती कर दोगे नहीं तो. मिरर के लिए जो फोकस होता है आपके पास, जिसको फोकल लेंथ कहते हैं सर, वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता, वो वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करता. तो इसीलिए कुछ भी आंसर नहीं है, आंसर है नन ऑफ दीस. इज इट क्लियर? सबके लिए आंसर सेम आता है. सर वेवलेंथ तो डिस्टेंस ही है, चैंपियन चितरंजन, ये डिस्टेंस वो डिस्टेंस नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का, वस्तु का दूरी नहीं है डिस्टेंस, ये लाइट की वेवलेंथ है बेटा. ये जो है ये आपकी तरंग दैर्ध्य प्रकाश की है, तो इसीलिए इसको उसके साथ मत जोड़ना बेटा, इसको उसके साथ मत जोड़ना, ये आपसे रिक्वेस्ट है. तो प्लीज ध्यान से इस पॉइंट को दिमाग में रख लेना. अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं. प्लीज सर बहुत ध्यान से देखिएगा. अगर एक रे ऑफ लाइट है,
अगर एक रे ऑफ लाइट है, प्रकाश की एक किरण है जो आपतित हो रही है, इंसिडेंट है, लंबवत नॉर्मली किसी पृष्ठ पे, मेरी हथेली जो है इसके ऊपर सीधी आ रही है, इसके ऊपर सीधी आ रही है, तो बताइए आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, इट पासेस अनडेविएटेड, वो बिना इधर उधर विचलित हुए निकल जाएगी, इट अंडरगोज डिस्पर्शन, उसमें विक्षेपण होगा, इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, पृष्ठ उसको अवशोषित करेगा, पृष्ठ उसको अवशोषित करेगा। अंकित, आपका नाम अंकित, आंसर निकालो मेरे बच्चे, मैं आपका नाम क्यों, आप पेपर निकालोगे तो सब आपका नाम लेंगे, प्लीज आप पेपर के ऊपर फोकस रखिए मेरे बच्चे, आप सिर्फ पेपर पे फोकस रखिए। बताएं सर, जल्दी बोलिए बच्चा, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं भाई लोग, सचिन ने ए बोला है, सचिन ए तो नहीं हो सकता मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई रेखा है जो दो माध्यमों को बांट रही है, मेरे पास कोई लाइन है जो दो मीडियम को डिवाइड कर रही है, एक N1 और एक N2, और ये इसके ऊपर एक लंब एक नॉर्मल है, ये इसके ऊपर एक लंब है नॉर्मल है, और अगर मैं इसी के ऊपर आपतित किरण, इसी के ऊपर इंसिडेंट रे को डाल दूंगा, तो वो ना इधर जाएगी, ना वो इधर जाएगी, ना वो इधर करेगी, वो सीधा निकल जाएगी, वो सीधा निकल जाएगी, ये याद रखना है आपने। अगर किसी पृष्ठ पे कोई रेखा सीधी आती है तो उसमें विचलन नहीं होता, उसमें डेविएशन नहीं होता सर, और अगर डेविएशन विचलन नहीं होगा तो वो क्या करेगा सर? इट पासिस अनडेविएटेड, इट पासिस अनडेविएटेड, बढ़िया मेरे बच्चे, सी ऑप्शन नहीं होगा सर, एडीजे स्ट्रीमिंग सी नहीं है मेरे बच्चे, आंसर बी है, ध्यान से प्लीज। बहुत बढ़िया सर, अच्छा आंसर बता रहे हैं भाई लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं, ये तो बहुत आसान है, पता नहीं कितनी बार पेपरों में आ रखा है, जल्दी बताएं सर, बहुत बार आ रखा है कि प्रकाशीय तंतु में प्रकाश की किरण कैसे गति करती है, जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करती है फास्ट, ये आंसर तो पता होगा सर आपको, इसका आंसर है सर TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका आंसर है TIR, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस आर सीन बाय द आई, आप अपनी जगह पे खड़े होके अलग अलग दूरी पे वस्तुओं को देख सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल देख सकते हैं जी, अगर देख सकते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, वो जो पैरामीटर जो है जो हमारे पास इनमें से परिवर्तित नहीं होगा, वो पैरामीटर बताइए, वो चीज बताइए जो इसमें से चेंज नहीं होगी। ऑप्शन है फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, और वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या रेडियाई ऑफ कर्वेचर, बताएं बेटा आंसर बताएं सर फास्ट मेरे बच्चे फास्ट। बढ़िया सर, बच्चा लोग बोल रहे हैं ए, भाई ए नहीं होगा, ए नहीं होगा सर, फोकल लेंथ तो आई की चेंज होती है, आंख की फोकस दूरी कम ज्यादा होती है, उसी को तो आप लोग कहते हो समंजन क्षमता, उसी को तो समंजन क्षमता कहते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं, जब हम पास और दूर की चीजें देखते हैं तो फोकस ही तो चेंज कर रहे हैं, तो फोकस तो नहीं हो सकता सर बराबर, सॉरी वो नहीं होगा सर। वस्तु की दूरी वो कैसे होगी जब खुद ही बोल रहा हूं मैं कि पास और दूर की चीजें हैं, तो ये भी नहीं होगा, अगर ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा, आंसर हमेशा ये रहेगा, क्यों? क्योंकि पर्दे की दूरी जो है, जो स्क्रीन का डिस्टेंस है सर, वो फिक्स है, वो बराबर है, क्यों? क्योंकि रेटिना तो अपनी जगह फिक्स है ना, जो आपका रेटिना है सर वो तो अपनी जगह पे फिक्स है, तो रेटिना फिक्स होगा तो इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, इमेज डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, बच्चों को याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इज इट क्लियर बच्चा? कमल यादव नमस्ते मेरे भाई, बढ़िया बच्चा जी, इसको ध्यान से देखिए प्लीज, इसको चेक करिए सर, प्लीज इसको चेक करिए, और अगर क्लियर है तो बताइए, मैं आगे की तरफ बढ़ूं सर, अगर क्लियर है तो प्लीज बताएं सर।
बच्चों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर रिपीट कर रहा हूं, हिमांशु ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास वस्तु अलग अलग दूरी पर है तो आपको एक ही जगह पे प्रतिबिंब मिलता है, आपको एक ही जगह पे ऑब्जेक्ट्स चाहे अलग अलग पड़े हैं पर इमेज तो एक जगह पे मिलेगी बच्चा। और इमेज कहां मिलती है? सर रेटिना पे। तो क्या रेटिना आगे पीछे भागता है? रेटिना कभी आगे पीछे नहीं भागता, इसीलिए इमेज का डिस्टेंस जो होता है, प्रतिबिंब की जो दूरी होती है सर, वो नियत होती है, वो कांस्टेंट होती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस सर, आपको ये याद रखना है बेटा। अगर ये क्लियर तो मैं आगे की तरफ जा रहा हूं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं। फिर से एक आसान क्वेश्चन, परंतु पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है सर, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। चार स्टेटमेंट है, ध्यान से पढ़ना है और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहला क्या है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं, वो डॉक्टर, डॉक्टर कौन से? दांत वाले, क्योंकि यहां लिखा है ओरल कैविटी, दांत में कीड़ा लग जाता है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, कॉन्वेक्स मिरर को यूज करता है। ये पहला स्टेटमेंट। दूसरा, कॉनकेव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, उससे हम लोग प्रकाश को क्या करते हैं? फैलाते हैं। उससे हम प्रकाश को फैलाते हैं, यानी कि वो रिफ्लेक्टर की तरह काम करते हैं। ये दूसरा। तीसरे में कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स है और बाकी स्टेटमेंट, बाकी कथन वैसे ही है कि प्रकाश फैलाने के लिए अब की बार लिखा है उत्तल दर्पण। और चौथा लिखा है कि हम घर में अगर किसी नाई की दुकान पे जाते हैं, बार्बर शॉप में जाते हैं या घर में शेव करते हैं, तो जो दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो मिरर यूज किया जाता है, वो कॉन्वेक्स होता है, उत्तल होता है। चारों कथन आपके सामने, आंसर बताएं सर। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सारे बच्चों का आंसर सही है। अश्वनी बाघेल, एक बार बेटा आंसर चेक करो, बच्चा एक बार चेक करो अपना आंसर। आंसर में वो कह रहे हैं कौन सा सही है, कौन सा सही है। हमेशा याद रखना कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका काम फैलाने का होता है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर ऑलवेज यूज टू डाइवर्ज, डाइवर्ज मींस दे आर यूज टू स्प्रेड लाइट। इसीलिए रिफ्लेक्टर के अंदर हम कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है सर, लार्ज एपर्चर टेलीस्कोप आर यूज्ड। आपको बोल रहे हैं एपर्चर का मतलब होता है द्वारक, बड़े द्वारक के टेलीस्कोप यानी कि दूरदर्शी का उपयोग क्यों किया जाता है? पहला, उसकी रिजोल्यूशन यानी कि उसके जो विभेदन है उसको बढ़ाने के लिए। दूसरा, उसकी मैग्निफिकेशन बढ़ाने के लिए, आवर्धन को बढ़ाने के लिए। तीसरा, उसके अंदर लेंस में जो दिक्कत होती है, एबरेशन का मतलब दिक्कत होती है, उसको कम करने के लिए। तो ये तीसरा ऑप्शन होगा। और चौथा होगा ताकि आसानी से बनाया जा सके, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो बच्चा जी आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा? प्रभात बी बता रहे हैं, सचिन पाल बी बता रहे हैं। अगर ये बी बता रहे हो मेरे बच्चे, तो एक चीज अपने दिमाग में सोचो, ठंडे दिमाग से सोचना कि अगर मैं दूरदर्शी की बात करता हूं तो उसके आवर्धन वाले सूत्र में, उसके मैग्निफिकेशन वाले सूत्र में कहीं पे एपर्चर द्वारक आता है? मैंने तो नहीं पढ़ा सर, आप बच्चों ने पढ़ा हो तो प्लीज बता देना, क्योंकि इसका फॉर्मूला शायद एफ नॉट अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी पढ़ते हैं हम लोग, शायद फॉर्मूला ये होता है, और इसमें द्वारक एपर्चर नहीं आता है, तो ये बी ऑप्शन नहीं होगा। मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं करता। हाँ, ये चेंज क्या कर सकता है सर? ये रिजोल्यूशन, किसी चीज को कितना नजदीक नजदीक को दूर कर सकता है या बहुत दूर की चीज को साफ दिखा सकता है। तो रिजोल्यूशन बढ़ाने के लिए, उसको साफ दिखाने के लिए, आप बड़े टेलीस्कोप का एपर्चर जिसका द्वारक बड़ा होता है उसका प्रयोग करते हो। तो इसका आंसर है ग्रेटर रिजोल्यूशन। क्यों करते हैं? टू सी क्लियरली डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, लिख लेना अपनी कॉपी में ताकि आपको यह ध्यान रहे, दूर की वस्तुओं को साफ देखने के लिए, साफ देखने के लिए आवर्धन का, मैग्निफिकेशन का इसके साथ नहीं है,
अभिषेक इतना समय मेरे बच्चे अगर होता तो मैं प्लीज आपको बताता, पर अभी जितना कोशिश कर रहा हूं उतना आप प्लीज करिए, इसके साथ आपको मदद मिलेगी, नुकसान नहीं होगा बेटा, आपको मदद मिलेगी, नुकसान नहीं होगा सर। चलिए सर थोड़ा सा आगे की तरफ चलता हूं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन है आपके पास, द मोस्ट फेमिलियर फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी इन सनलाइट, सूर्य से निकलने वाली जो आपकी किरणें होती हैं विकिरण, सबसे परिचित रूप, सबसे ज्यादा फेमिलियर फॉर्म जो मानव त्वचा को, जो हमारी त्वचा को, मानव त्वचा को टैन करती है, काली कर देती है, या उसके ऊपर सनबर्न, उस पे सूर्य के कारण जलने के निशान सनबर्न बोलते हैं, वो पैदा करती है, तो इनमें से कौन सा आंसर होता है, इनमें से कौन सा आंसर होता है, ये तो शायद सबको आना चाहिए, ये तो शायद सबको आना चाहिए। प्रभात आंसर गलत हो गया बेटा, आंसर आएगा यूवी, आंसर आएगा यूवी। अरे यार क्रीम मिलती है, इतनी सारी कंपनियां क्रीम बनाती हैं, क्या लिखती हैं उस पे, लिखती हैं एसपीएफ एसएफ यूवी प्रोटेक्टेड, इतने बड़े अक्षरों में लिखती है, तो ये यूवी क्या है, यही तो है अल्ट्रावायलेट, इससे बचाने के लिए वो क्रीम लगाते हैं, वो जो एडवर्टीजमेंट आप टेलीविजन पे देखते हो वो इसी के लिए होता है सर, पराबैंगनी किरणों से अपनी त्वचा को बचाने के लिए, अपनी स्किन को बचाने के लिए यूवी रेस से, तो ये याद रखना है बच्चों ने, ये बच्चों ने याद रखना है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपके पास, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेव्स आर कॉल्ड वेव्स ऑफ हीट एनर्जी, इनमें से निम्नलिखित जो भी ऑप्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, इनमें से कौन सी तरंग ऊष्मीय ऊर्जा की तरंग कहलाती है, कौन सी ऐसा ऑप्शन है इसमें से जिसको ऊष्मीय ऊर्जा आप लोग हीट एनर्जी वेव्स कहते हैं, आप लोग हीट एनर्जी वेव्स कहते हैं। ऑप्शन है रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स, अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड, यूवी पराबैंगनी, या माइक्रोवेव माइक्रो तरंग। अब आंसर बताएं सर, अब आंसर बताएं भाई, सबको पता होना चाहिए कि जहां गर्मी की बात होती है, जहां गर्मी गर्म करना है वहां पे अवरक्त किरणें, जहां गर्मी गर्म की बात करनी है वहां पे अवरक्त किरणें, वहां पे इंफ्रारेड आएगा, तो आंसर आएगा इंफ्रारेड वेव्स, अवरक्त तरंग, इनको ऊष्मीय तरंग कहते हैं सर, इनको ऊष्मीय तरंग कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसको, ध्यान रखिएगा इसको सर। थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूं बच्चा, थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है आपको खुद पता होगा, तो प्लीज इसका आंसर बता दीजिए, प्लीज इसका आंसर बता दीजिए, थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा सा फास्ट मेरे बच्चे। एक्स किरणों का जो आपका अनुक्रम होता है, यानी कि कोटि, जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, वो क्या होता है, मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर, माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम, क्या होता है मेरे बच्चे? सारे बच्चे आंसर ठीक बोल रहे हैं, श्याम सुंदर बी नहीं है मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए, पंकज ए नहीं है, मिलीमीटर नहीं होता बेटा, आंसर होता है इसकी कोटि जो होती है वो 10^-10 मीटर, और इसको हम लोग कहते हैं एंगस्ट्रॉम, इसको कहते हैं एंगस्ट्रॉम, इसको क्या कहते हो सर? एंगस्ट्रॉम कहते हो, तो इतना आपको याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर सर, इतना आपको याद रखना है। अगर बच्चा इतना आप कर चुके हो तो एक छोटा क्वेश्चन और है सर आपके पास, एक छोटा क्वेश्चन और है आपके पास, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक लाइट रे है, एक प्रकाश की किरण है जो आपतित है, जो इंसिडेंट है, किस पे? एक कांच की पट्टिका पे, ग्लास स्लैब पे, कौन से कोण पे? सर ध्रुवण कोण पे, पोलराइजिंग एंगल पे, तो आपने बताना है एंगल, कोण बताना है किसके बीच में, रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण और रिफ्रैक्टेड रे अपवर्तित किरण, परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण बताना है, जब प्रकाश किरण जो है वो कौन से कोण पे आपतित है? सर वो है पोलराइजिंग एंगल, ध्रुवण कोण, वो है ध्रुवण कोण आपके पास, तो प्लीज बताएं आंसर क्या होगा। बढ़िया मेरे बच्चे, आंसर सारे ही भाइयों का ठीक है, पंकज एक बार चेक कर लो बेटा, सहदेव एक बार आंसर चेक करिए, ये जब भी होता है आपके पास ठंडे दिमाग से देखना, अगर मेरे पास ये एक लंब नॉर्मल है और ये मेरे पास आपतित किरण है, इंसिडेंट रे है, और ये मेरे पास ध्रुवण कोण पे है, किस पे है? ध्रुवण कोण, पोलराइजेशन एंगल पे, तो एक हिस्सा तो ऊपर जाएगा और एक हिस्सा नीचे बटेगा, एक नीचे गया एक ऊपर गया, और इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है सर वो 90 डिग्री,
इन दोनों के बीच का एंगल जो है सर वो है 90 डिग्री। इतना बच्चों को याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर बेटा, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगला क्वेश्चन है सर विच प्रॉपर्टी, पढ़िया आप लोग पढ़ते हैं तो बताएं इसका आंसर, इसका आंसर बताओ बच्चा। अच्छी तैयारी करी है तो आंसर बताइए, बहुत आसान है पर इसमें भी शायद गलती कर देंगे हम। बताएं सर इसका आंसर, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कंफर्म्ड बाय डिफ्रैक्शन, विच प्रॉपर्टी, पोलराइजिंग एंगल। अश्वनी पोलराइजिंग एंगल वो होता है, ध्रुवण कोण वो होता है जिसपे प्रकाश, जिसपे लाइट पोलराइज होती है। पोलराइज का मतलब है एक प्लेन पे मूव करती है, क्योंकि मैथ्स में आपने तीन प्लेन पढ़े हैं एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, तो उनमें से किसी एक प्लेन पे अगर कोई लाइट मूव करती है तो मूव करने से पहले लाइट किसी चीज पे गिरती है, लाइट किसी चीज पे गिरती है और जब गिरती है तो किसी एंगल पे गिरती है, किसी कोण पे गिरती है, उसे ध्रुवण कोण, उसे पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं बेटा, उसे पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं ध्रुवण कोण। इसका आंसर बताओ मेरे बच्चे, दो चार बच्चे सही बता रहे हैं, रोमियो आपका आंसर सही, बंटी का आंसर सही है मेरे बच्चे। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे पूछते हैं कि विवर्तन जो है, जो डिफ्रैक्शन है, उससे किस चीज की पुष्टि होती है, कौन से गुण की पुष्टि, कौन सी प्रॉपर्टी इससे फिक्स होती है, तो सर आंसर है वेव नेचर, आंसर है वेव नेचर, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाश की में ही तो पढ़ते हो डिफ्रैक्शन, आप तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स में ही इसको पढ़ते हैं, तो इसीलिए वेव नेचर को फिक्स करता है ये वेव नेचर को, तरंग प्रकृति को दर्शाता है। इतना बच्चों को याद होना चाहिए, दिस यू हैव टू रिमेंबर बेटा, दिस यू हैव टू रिमेंबर। अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं सर, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं, एक और आसान क्वेश्चन, पर इस पे भी डबल स्टार रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अनुज पाल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ट्रांसवर्स नेचर, बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत सही सर, सही आंसर बता रहे हैं। अब इसका आंसर बताइए सर, इनमें से किसका ध्रुवण संभव नहीं है, इनमें से किसका ध्रुवण संभव नहीं है। इसमें भी कुछ बच्चे डाउट में है सर, कुछ बच्चे डाउट में है, याद रखना सर, याद रखिएगा, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है, अगर विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्लीज अपनी कॉपी में नोट करो, विद्युत चुंबकीय तरंग है तो सर उसका ध्रुवण होता है, उसका ध्रुवण होता है, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, कब, जब वो ईएम वेव होगी, जब वो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इनमें से कौन है सर, ये विद्युत चुंबकीय, ये विद्युत चुंबकीय, ये विद्युत चुंबकीय, तो ये तीन आंसर तो नहीं हो सकते, तो आंसर क्या है, साउंड वेव, ध्वनि तरंग, आंसर है साउंड वेव, ध्वनि तरंग, बढ़िया सर। चले सर थोड़ा सा आगे, बढ़िया हिमांशु, सही है मेरे बच्चे, अच्छा है, आगे की तरफ चलते हैं बच्चा, नेक्स्ट मेरे भाई, एक और प्रश्न करते हैं भाइयों के साथ, एक और प्रश्न सर, इसका आंसर बताओ यार, इसका आंसर बताओ, इसमें वो आंसर नहीं है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि रेनबो जो है, जो इंद्रधनुष है, उसका कारण जो होता है वो तो हमें पता है कि वो डिस्पर्शन होता है, वो तो हमको पता है डिस्पर्शन होता है, हम लोग उसको कहते हैं विक्षेपण, हम लोग उसको कहते हैं विक्षेपण, पर यहां तो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, यहां तो ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, तो इसमें से आंसर बताओ सर, इसमें से आंसर बताओ सर, वेव कैन नॉट बी, अनुज बिल्कुल ठीक लिख रहे हो मेरे बच्चे, इसका आंसर बताओ सर, वेट कर रहा हूं मैं, मिले जुले आंसर आ रहे हैं सर, मिले जुले आंसर आ रहे हैं, दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन, परावर्तन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, स्कैटरिंग, विवर्तन। सर एक आपको हिंट देता हूं, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, इसको तो भूल जाओ, ये कभी नहीं होगा, और जो बाकी दोनों है ये हमेशा होंगे, ये कभी नहीं होगा और बाकी दोनों हमेशा होंगे, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा, परावर्तन भी हो रहा है और रिफ्रैक्शन अपवर्तन भी हो रहा है, वो अलग बात है कि इस समय जो परावर्तन हो रहा है वो पूर्ण आंतरिक है, वो कौन सा है बेटा, वो पूर्ण आंतरिक है, टोटल इंटरनल है, वो टोटल इंटरनल है, पर है तो सही हमारे पास, तो आंसर क्या आएगा, दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, बढ़िया बच्चा जी सही कर रहे हो सर, बढ़िया मेरे बच्चे सही कर रहे हो।
अगर कर रहे हो तो एक क्वेश्चन और करेंगे सर, एक क्वेश्चन बच्चा जी और मेरे भाई, तैयार हैं सर? एक छोटा सा क्वेश्चन और है सामने आपके, लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा, इसको हटा रहा हूं सर मैं अब। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपने करना है सर। क्वेश्चन कह रहा है कि जो टेलीस्कोप है, जो आपका दूरदर्शी है, टेलीस्कोप है, दूरदर्शी है, उसकी आवर्धन मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, उसकी आवर्धन मैग्निफिकेशन को बढ़ाना है। क्या करना है बेटा? बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो मुझे बताओ कि आप ऑब्जेक्टिव के फोकस को, फोकल लेंथ को बढ़ाओगे? इसको कहते हैं हिंदी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी को बढ़ाओगे? जल्दी बताओ सर। अगर मुझे यह बोला जा रहा है कि दूरदर्शी टेलीस्कोप है, उसका आवर्धन मैग्निफिकेशन बढ़ाना है, तो बताइए कि जो ऑब्जेक्टिव है, अभिदृश्यक है, उसकी फोकस दूरी को बढ़ाओगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो सर। बढ़ा देंगे, बढ़िया सर, एक बार आंसर बोल दीजिए ताकि मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं सर। बढ़िया सर, ऑब्जेक्टिव का फोकस को बढ़ाएंगे। चलिए सर, हो गया। अगर बच्चों ने यह लिख दिया तो दूसरा है आपके पास सर, आईपीस, आईपीस नेत्रिका, इसकी फोकस दूरी, इसकी जो फोकल लेंथ है उसको बढ़ाएंगे, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे। जल्दी बोलो सर, आईपीस। दीपक ने नो बोला है, तारामंडल आपने भी नो बोला है, अर्पित नहीं बोल रहे हैं। बढ़िया सर, इसको डिक्रीज करेंगे, ओ को बढ़ाएंगे, इसको घटाएंगे। बच्चों ने आंसर दे दिया, पर बेटा आंसर आपका गलत है, आंसर आपका गलत है। याद रखना, अगर दूरदर्शी टेलीस्कोप की आवर्धन, इसके आवर्धन को, मैग्निफिकेशन को, यह क्वेश्चन इसीलिए हाथ से लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, दूरदर्शी टेलीस्कोप का आवर्धन मैग्निफिकेशन अगर बढ़ाना है, अगर बढ़ाना है तो आपको एफओ और एफई दोनों को घटाना पड़ेगा, आपको एफओ और एफई दोनों को घटाना पड़ेगा। प्लीज सर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, प्लीज सर अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यू हैव टू डिक्रीज बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस फोकल लेंथ, आपको दोनों की फोकल लेंथ को डिक्रीज करनी है। अब बंटी ने क्वेश्चन सही पूछा, क्यों? तो उसका जवाब दे रहा हूं सर, उसका जवाब दे रहा हूं सर। मुझे पता है आवर्धन जो होता है सर, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है मेरे पास एम बराबर में, यहां पे क्या लिखते हैं, एफ नॉट अपॉन एफ ई, और यहां पे लिखते हो सर वन प्लस क्या होता है मेरे बच्चे, डी अपॉन में एफ ई, हाँ या ना? वन प्लस डी अपॉन में एफ ई, ऐसे ही तो करते हो सर। आवाज नहीं आ रही है सर, देख लीजिए सामने सर, फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, प्लीज इसको चेक कर लीजिए सर, प्लीज इसको चेक कर लीजिए सर। अभिषेक, लिंक होगा नीचे, लिंक में देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा सर, आपको आंसर मिल जाएगा, प्लीज चेक इट आउट सर। चलिए सर, बच्चा जी आंसर आपके सामने है, प्लीज चेक कर लेना। नेक्स्ट कल मिलेंगे आपके साथ।